नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। मैं लता सिंह आज आपके साथ लच्छेदार रबड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लच्छेदार रबड़ी घर में ही बनाएं। घर में बनी हुई रबड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और आप अपनी शुद्धता और सफाई से बना सकते हैं, क्योंकि हलवाई लोग रबड़ी में अरारोट डाल देते हैं तो वो शुद्ध नहीं होती है। तो अब हम रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, जो फुल क्रीम है, 2.5 चम्मच चीनी ली है और हरी इलायची। रबड़ी बनाने के लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती है। अब ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम दूध डालेंगे, चलाएंगे, गैस तेज कर लेंगे जब तक उबाल आता है। रबड़ी बड़े हो या बच्चे हो, सभी को बहुत ही पसंद होती है। मेरे दादाजी को रबड़ी बहुत पसंद थी, वो 1 किलो रबड़ी एक बार में ही खा जाते थे। अब हमारे दूध में उबाल आ गया है और दूध को चलाएंगे, गैस कम करेंगे और हमको दूध का लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूध उबलने लगा है, गैस कम करेंगे नहीं तो दूध बाहर निकल जाएगा, और बीच में इसको धीरे धीरे से चलाएंगे और इसमें ये मलाई भी आने लगी। मलाई को साइड करते जाएंगे, इस तरह से चिपकाते जाएंगे। अब दूध गाढ़ा होने लगा है और इस पर चारों तरफ मलाई आने लगी है। बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में लग नहीं जाए। इसको साइड से चिपका देंगे। अब दूध गाढ़ा हो चुका है और ये मलाई भी चारों तरफ हमने इकट्ठी कर दी है। दूध को और गाढ़ा करेंगे और ये मलाई को हम साइड से चिपकाएंगे। मलाई हमने साइड कर दी है और बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे। 1.5 किलो दूध की रबड़ी बनाने में 1.25 घंटा लग गया है। बहुत धैर्य की जरूरत है, धैर्य रखना पड़ता है। धीरे धीरे से घुमाएंगे नहीं तो मलाई दूध में मिक्स हो जाएगी। अब दूध गाढ़ा हो गया है, 150 ग्राम दूध बचा है इसमें। मलाई सारी साइड से कर दी। अब इसमें 2.5 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी को धीरे धीरे मिलाएंगे। अगर इसको तेज तेज चलाएंगे तो मलाई इसमें घुट जाएगी। इलायची पाउडर डालेंगे। रबड़ी में ड्राई फ्रूट की कोई जरूरत नहीं होती है, रबड़ी को बिना ड्राई फ्रूट के ही बनाया जाता है। अब गैस बंद करते हैं और रबड़ी को ठंडा करते हैं। अब रबड़ी ठंडी हो चुकी है, इसको ठंडा होने में 20 मिनट लग गए। अब इसको हम साइड से इसके लच्छे निकालेंगे। धीरे धीरे से पूरे लच्छे निकाल लेंगे इसके। ये देखो, ये पूरा ही लच्छा निकल रहा है, पूरा ही लच्छा एक साथ निकल गया। अब हम इसको कटोरे में डालेंगे। अब हमने रबड़ी को कटोरे में डाल दिया है। अब हम इसको पिस्ता से गार्निश करेंगे। देखने में जितनी ये सुंदर लग रही है उतनी ही खाने में टेस्टी लगेगी।
ये लच्छेदार रबड़ी है, इसका लच्छा मुंह में आता है तो फीका लगता है, और जब ये इसका गाढ़ा दूध आता है तो मीठा लगता है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। कान्हा जी के जन्मदिन पर आप लच्छेदार रबड़ी जरूर बनाएं, क्योंकि व्रत में घर की ही चीजों का बना हुआ फलाहार करना चाहिए। आपको मेरी लच्छेदार रबड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप जरूर ट्राई करें। धन्यवाद। राधे राधे।